आज मीडिया वाले, न्यूज चैनल वाले बहुत आगे निकल गए, इतने आगे निकल गए कि एकदम हाथ से ही निकल गए। बहुत तरक्की की है न्यूज चैनल वालों ने बाबा, जल्दी दिखाने के चक्कर में, फास्ट दिखाने के चक्कर में, कंपटीशन, टीआरपी, उस चक्कर में ये कभी कभी इतने निर्दयी हो जाते हैं, इतनी झूठी खबरें बताते हैं, इतने ब्रूटल हो जाते हैं कि आप पूछो मत। कोई आदमी पानी में डूब रहा है, बाढ़ में फंसा हुआ है, देख रहे हैं बाढ़ में फंसा हुआ है, उसको बचाते नहीं है चैनल वाले, उसके मुंह पे माइक लगा के पूछते हैं, ये आप पानी में डूब रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? वो बोलता है, बस मैं एक बार किसी तरह निकल आऊं, फिर मैं चप्पल लेके बताऊंगा मुझे कैसा लग रहा है। सूंघते रहते खबरें। तभी एक आदमी इनको ऐसा मिल गया चैनल वालों को, कल भाई साहब मैं सुबह 10 बजे आत्महत्या करूंगा, सुबह 10 बजे टावर से कूद के गिर जाऊंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं, बहुत परेशान हो गया हूँ अपने फैक्ट्री के मालिकों से, साले 9 साल से पगार नहीं दे रहे हैं, बगैर तनख्वाह के चल रहा हूँ, अब रुकूंगा नहीं। न्यूज चैनल वाले की जैसे लॉटरी निकल आई, भागा भागा उसने बॉस को खबर किया, चैनल में स्क्रोलिंग आनी शुरू हो गई, कल सुबह देखिए 10 बजे सनसनीखेज खुलासा, कमजोर दिल के लोग ना देखें, कमजोर दिल के लोग ना देखें, सुबह 10 बजे। लेकिन अगले दिन 10 के 11 बज गया, 12 बज गया, उस आदमी का पता नहीं। चैनल वाले परेशान, बॉस के फोन आ रहे, क्या कर रहे हैं आप भाई, चैनल चलाना कि बंद करना है? मैं स्क्रोलिंग चला रहा हूं, बेइज्जती हो जाएगी। कैसे आदमी को ढूंढा आपने? जाइए पकड़े उस आदमी को, ढूंढिए, देखिए वो आदमी कहाँ है। चैनल वाले गली गली में घूम रहे, अरे भाई साहब यहाँ ऐसा कोई आदमी है जिसे मतलब 9 साल से पगार ना मिली हो, जो आत्महत्या करने की सोच रहा हो? कहाँ? ये सामने गली में। अच्छा, थैंक यू। चैनल वाले उसको पकड़ के लाए, उसको तैयार कर रहे हैं, अरे भाई आपने कल आत्महत्या के लिए कहा था तो करिए, आप मर्द हो, मर्द की जबान एक होती है, तुम्हें मरना चाहिए, वादा किया था, देखो तुम मर जाओगे तो तुम्हारे ये फैक्ट्री के मालिकों के होश ठिकाने आएंगे, फिर तुम्हारे घर पे इसका हर्जाना मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तुम्हारे बदले तुम्हारे लड़के को नौकरी मिलेगी, हैं, तुम्हें मरना चाहिए। नहीं, हम नहीं मरूंगा, अब नहीं मरूंगा, मैं मूड बदल गया, सुना है उसमें दर्द बहुत होता, चोट वोट लग जाती है, फिर कभी, नेक्स्ट टाइम, अगली बार कभी। फिर बॉस के फोन आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस आदमी को दारू पिलाओ, शराब शराब पिलाओ, उसको उकसाओ, उसको समझा बुझा के ले आओ, टावर पे चढ़ा दो, टावर पे चढ़ा दो। तो ये फोन आ रहे हैं, दर्शकों के फोन आ रहे हैं, अब शराब वराब पिला के उसको टुन लाए। अच्छा मानना जरूरी है। अच्छा अच्छा, तुम लोगों के जिंदा रहने के लिए मुझे मानना जरूरी, चलो। टावर में थोड़ा ऊपर चढ़ा ही था, फिर बोल रहा नहीं मैं नहीं मारूंगा, कल मेरी सास का बर्थडे है, केक काटूंगा, फिर भतीजे की सगाई है अगले महीने, फिर कभी, नेक्स्ट टाइम। अरे मुझे नींद आ रही है यार, मैं इधर तौलिया लपेट के खंभे में मैं सोता हूँ यार, सोने का जो मज़ा है ये पूरी दुनिया में किसी और काम में नहीं आ रहा। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, आज के न्यूज चैनल नहीं, वैरायटी इंटरटेनमेंट चैनल हो गए।
इसमें गेम दिखाएंगे, कॉमेडी शो दिखाएंगे, और तो और रात को एक पामिस्ट को, ज्योतिषी को बिठा देते हैं, कोई पत्ते वत्ते कार्ड वार्ड लेके बैठ जाएगी, कोई तोता लेके बैठ जाएगा, कोई सांप लेके बैठ जाएगा, भविष्यफल टेरो कार्ड, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लोग परेशान हैं हिंदुस्तान के, क्या क्या देखे हो, किसकी सुने हो, किसकी माने। अब कोई पंडित जी बैठे भविष्यफल बता रहे हैं, अभी रात को देख रहे हैं, पत्नी लेटी है, टीवी ऑन हो गया, ज्योतिषी बैठे हुए हैं, पत्नी सो रही है, कल का दिन आपके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा, कल के दिन आपको विशेष जो है एहतियात रखने होंगे, कल के दिन आपकी पत्नी आपको जो है धोखा दे सकती है, पत्नी से सचेत रहें, जो भी नुकसान आपका होना है वो पत्नी के द्वारा ही होगा। अभी अच्छा भला सोने जा रहा था, अब पूरी रात टेंशन में, वो तो न्यूज़ बोल के अपना काम करके पंडित निकल गया, अभी पूरी रात सो रही है, सो गई डाइन, कल खाएगी मुझे, यार लगती तो नहीं है इससे, कर भी सकती भाई, सोते में हर औरत बड़ी मासूम लगती है। जैसे मैंने बताया, मीडिया ने इतनी तरक्की की है, इनका इतना कंपटीशन है आपस में, न्यूज छीनते हैं, न्यूज बनाते हैं, लेकिन दोपहर को ये सब प्रेस क्लब में जमा होते हैं, वहां साथ में चाय पीते हैं और न्यूज आपस में बांट लेते हैं। साइलेंस, साइलेंस एवरीबॉडी, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, हम सारे न्यूज़ चैनल्स के बीच में कंपटीशन बेशक है, मगर हम लोगों को एकता से काम करना चाहिए। अगर सारे चैनल एक ही न्यूज़ दिखाएंगे तो टीआरपी का क्या होगा, और टीआरपी नहीं होगी तो कमाई का क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ, हम सब लोग न्यूज़ को आपस में बांटेंगे। समोसा लिया भैया, चला ठीक है। सुन, आज तक चैनल ये पकड़, अपनी बच्चा बोरवेल में गिरा ना, उसकी न्यूज़। यार एंडी, तेरे पास कोई और न्यूज़ नहीं होती क्या? बच्चा बोरवेल में गया, हमेशा तू मुझी को दे देता है। काम कर सुन, ये वो जो किसान आत्महत्या कर रहा है ना, ये उसकी न्यूज है, इस आदमी फ्री में। पागल पागल, इसमें ग्लैमर कहाँ है? ग्लैमर इसमें पैदा करो, रिपोर्टर किस बात की हो, चाय बोल दे हो। एडिट में जाके 15-16 लड़कियां इसमें डालो, बोलो इनसे पैसे लेने थे नहीं मिले इसलिए आत्महत्या कर रहा है, ग्लैमर डालो उसमें, ले भाई सही बात है, ले भाई जी टीवी तीन पकड़िए, तीन प्लेट समोसा, ओहो यार ये तो समोसे में जान खा गया, पकड़ ये तेरी जी टीवी 14 साल की लड़की के बलात्कार वाली रिपोर्ट, और ये सहारा चैनल, ये आपकी 52 साल की औरत की रेप की रिपोर्ट। 52 साल का रेप कौन देखेगा, मुझे 14 साल वाली दो ना, क्यों बहन जी? शट अप अंकल। ओ सहारा साहब, ये पकड़ो, 52 वाली भी दे रहा हूँ आपकी आपकी उम्र का लिहाज करके, अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो, ये 14 साल की एक लड़की का रेप और हुआ है, मगर इसका वीडियो भी नहीं आया, ये पकड़ो, ये संभालो। कहीं रेप करवा लेता हूँ, करा ले यार, नई चीज देखने को मिलेगी चैनल पे। अरे भैया रखो समोसा, पकड़ ले भैया, ओ आ जाएंगे समोसे। वैसे एक बात बताओ यार, तुम दूरदर्शन वालों को किसी रिपोर्ट की चिंता नहीं, तुम दिखाते क्या हो आजकल? भैया हम लोगों का बढ़िया चल रहा है दूरदर्शन, ज्यादा घबड़ चौथ में हम लोग है नहीं, आजकल हमें शाम को दिखा रहे हैं कि खरीफ की फसल को दीमक लगने से कैसे बचाएं। नत्थू चचा आते हैं शाम को, ब्लॉक प्रमुख हैं। उसके अलावा जो हम लोग रात को दिखा रहे हैं, मतलब दूसरे के खेत का पानी बीच में मेड़ तोड़ के पानी अपने खेत में कैसे मोड़े, ये प्रधान जी बोल रहे हैं फरुखाबाद के। नहीं नहीं वो ठीक है, वो जो सीरियल है वो अमची माती, अमची मानसूस। हाँ दोपहर दोपहरी अच्छा, दोपहरी चल रहा अमची माती, कोई नहीं देख रहा मगर बढ़िया चल रहा है, मत पैदा हुआ जब से ये चल रहा है। हाँ वही तो बात है, खास बात है। समोसा लिया भैया। रात में क्या दिखाते हो तुम लोग? रात में हमारे तो वो चल रहा है ना, वो हम लोग कथक डांसर एक लाए पकड़ के, वो रात को 12 बजे दूरदर्शन पे छोड़ देते हैं, वो अपना शुरू कर देती हैं, हम लोग अपना घर निकल जाते हैं स्टाफ लोग, वो बाद में स्टूडियो बंद करके गेट में ताला वाला मार के अपना घर चली जाती हैं। डराना उनका सकल आँख ऐसे से करती है, तो अपना चल जाता है। माफ कीजिएगा भैया, आपका जो दूरदर्शन है वो दिनों दिन दूर होता जा रहा है। दर्शन तो है, पगार है, अंडर टेबल भी है। अच्छा, हाँ, यार एक बात बताओ, तुम दूरदर्शन वाले
सेक्स तुम नहीं दिखा सकते, ग्लैमर तुम नहीं दिखा सकते, पागल है, फैशन तुम नहीं दिखा सकते, पागल हो, और रेप तुम नहीं दिखा सकते, पागल हो, मरवाओगे। और बात सुनना फिर, ये जो बोरवेल में बच्चा गिरा है ये न्यूज़ क्यों नहीं दिखाए थे? अरे ये जो कुएं में गिरा बच्चा, अरे नौकरी हटवाओगे क्या? नौकरी चली जाएगी, दिखा देंगे तो क्यों? पहले तो हमें जिस गाँव में गिरा है बच्चा वो गाँव के प्रधान से चिट्ठी लेना पड़ेगा, फिर थाने से NOC निकालना पड़ेगा, फिर एक एप्लीकेशन जो है DG को लिखना पड़ेगा, उसका एक नकल जो है स्टेशन डायरेक्टर को देना पड़ेगा, फिर एडिटर उसका एक कॉपी मंगाएगा, फिर उसका अध्ययन करेगा, फिर सेंक्शन होगा, फिर कैमरा और इक्विपमेंट लेने के लिए जो है मंडी हाउस जाना पड़ेगा। तब तक तो बच्चा कुएं से निकल के घर जा के नहा धो के नए नए कपड़ा पहन के काला टीका लगा के स्कूल चला जाएगा, और बाद में वही बच्चा बड़ा होकर खुद दूरदर्शन का डायरेक्टर बन जाएगा, और जैसे डायरेक्टर बन के जब ऑफिस में बैठेगा और दूरदर्शन ऐसे चालू करेगा तो वही बोरवेल की गिरी हुई खबर को उस दिन देखेगा और कहेगा कि ये तो हम बचपन में गिरे रहे, दूरदर्शन अब पास हुई है न्यूज। फॉर मोर एंटरटेनमेंट लॉग ऑन एंड सब्सक्राइब टू www.youtube.com/venus